तीन लोग पुलिस कस्टडी, अतीक अहमद और वो कोर्ट की इजाजत से उनके हिरासत में हैं, तीन लोग आते हैं और खुलेआम गोली चलाते हैं, इसको आप कानून व्यवस्था या लॉ एंड ऑर्डर के तौर पर किस तरीके से देखते हैं? बहुत अच्छा या फिर ये कि फेलियर है? अतीक हत्याकांड के बाद मीडिया में ब्रीफिंग का दौर चालू हुआ, पत्रकार अपने तरीके से अपनी बात रख रहे थे और उसी दौरान एक क्राइम रिपोर्टर भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक से कुछ सवाल करने लगे और उस बात को और कुछ लोग उनके सवालों से इतने खफा हुए कि उन्हें दारूबाज, नशेबाज और नशेड़ी तक कह डाला। आपने शुरू के वीडियो में देखा होगा, अब आपको हम वो दिखाते हैं। तो पुलिस ने बहुत जान पर खेलकर इन दोनों को बचाने का प्रयास किया। हमारे जो पुलिस के कांस्टेबल थे, हमारे सब इंस्पेक्टर्स थे, उन्होंने अपनी जान पर खेल कर अतीक और शलभ मलिक जी, कम से कम वीडियो में ऐसी चीज नहीं दिखाई दे रही है कि जान पर खेल के बचाने की कोशिश की। कमेंट बॉक्स में कुछ लोग आज तक उस क्राइम रिपोर्टर की तारीफ कर रहे थे, तो कुछ लोग बुराई कर रहे थे और कुछ लोग विधायक जी की वाहवाही कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि जात कि रिपोर्टर साहब जातिवाद निभा रहे, तो कुछ लोग कह रहे थे कि इन रिपोर्टर्स की हमने बहुत सारे वीडियो देखे, ये बहुत अच्छे आदमी हैं। अब ये सवाल आप पर हम छोड़ते हैं, कमेंट बॉक्स से बताइए कि आज तक के रिपोर्टर के इस सवाल में आपको गलतियां कहां दिखी और विधायक जी जिस अंदाज में प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो प्रतिक्रिया इस वीडियो में आपको कहां तक दिखी। मिलते हैं इस वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कमेंट बॉक्स में कुछ लोग आज तक उस क्राइम रिपोर्टर की तारीफ कर रहे थे, तो कुछ लोग बुराई कर रहे थे और कुछ लोग विधायक जी की वाहवाही कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि कि रिपोर्टर साहब जातिवाद निभा रहे, तो कुछ लोग कह रहे थे कि इन रिपोर्टर्स की हमने बहुत सारे वीडियो देखे, ये बहुत अच्छे आदमी हैं। अब ये सवाल आप पर हम छोड़ते हैं, कमेंट बॉक्स से बताइए कि आज तक के रिपोर्टर के इस सवाल में आपको गलतियां कहां दिखी और विधायक जी जिस अंदाज में प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो प्रतिक्रिया इस वीडियो में आपको कहां तक दिखी। मिलते हैं इस वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।